हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलकाश हेल्थी किचन। आज अलकाश हेल्थी किचन में मैं सभी की फेवरेट रेसिपी लेकर के आई हूँ, मैकडोनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज रेसिपी, जो बड़ों से लेकर के बच्चों तक सभी को पसंद है। मैकडोनल्ड जो भी जाता है तो फ्रेंच फ्राइज तो ऑर्डर करता ही करता है, तो और बच्चे तो इसके दीवाने होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन्हें बनाना शुरू करते हैं। परफेक्ट रेसिपी है, आप घर पे बनाएंगे कोई भी नहीं बोलेगा या आपने घर में बनाया या फिर बाहर से मंगाया। तो बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए पटेटो, आलू। आलू मैंने थोड़ा भुरभुरा वाला लिया है, जो बॉइल्ड करते हैं तो खिला हुआ हो जाता है, उस तरीके का मीठा आलू नहीं है ये। और इसे हम कट कर लेंगे, छीलने के बाद एक बार धुल लेंगे। धुलने के बाद चारों तरफ से इस तरीके से हमें कट कर लेना है, ऊपर से, नीचे से, साइड से, इधर से भी हमें कट करना है। ये देखिए, इस इधर से भी थोड़ा थोड़ा हमें कट कर लेना है, ताकि तब हम इसकी स्लाइस कट करें तो एकदम से परफेक्ट शेप आए। अब ये मैंने चारों ऊपर से नीचे से हर जगह से कट करने के बाद इसकी स्लाइस कट कर लेंगे। स्लाइस कट करने के बाद हम ये देखिए इस तरीके की शेप में हमें सारी स्लाइसों को कट करना है। ये देखिए इसकी, अब हम इनकी स्लाइस कट कर लेंगे। एक सार ही हमें इन्हें एक शेप देनी है। अगर आपके पास कटर है, जो सेपर वाला कटर आता है, तो आप उससे कट कर सकते हैं। तो मैं इसे नाइफ से ही कट कर रही हूँ और परफेक्ट शेप में कट करना है, ताकि आपको लगे मैकडोनल्ड से ही मंगवाया है। ये देखिए मैंने इन्हें कट कर लिया है, और अब हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। कट करने के बाद 4 से 5 बार हमें तब तक इन्हें वॉश करना है, तब तक इनका जो वाइट वाला स्टार्च है वो निकल के ख़त्म नहीं हो जाता, पानी जब तक एकदम से क्लियर साफ नहीं दिखने लग जाता, तब तक हमें इन्हें वॉश करना है। तो मैंने इन्हें 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हैं पानी एकदम से साफ है, तो मतलब ये बहुत अच्छे से वॉश हो गए हैं। तब तक मैंने इन्हें वॉश किया था, मैंने पानी उबलने रख दिया था, पानी अच्छे से उबल गया है, और अब हम सारी स्लाइस को पानी के अंदर डाल देंगे और आधा मिनट हाई फ्लेम पर इन्हें बॉईल कर लेंगे। और सिर्फ इन्हें आधा मिनट ही करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। ज़्यादा करेंगे तो ये टूटने लग जाएंगे, ज़्यादा ही पक जाएंगे। अब तुरंत निकालने के बाद एक टॉवल पे या फिर टिश्यू पेपर पे किसी पर भी डाल करके इन्हें आप पोंछ लेंगे। इनका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है, पानी है, उसे आप सोख लें, पोंछ लें अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें पोंछ लिया है, और अब हम इसे फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा अभी भी फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है, ऑयल हमारा गरम हो गया है, और एकदम से हाई गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए ऑयल, और 2 मिनट के लिए ही हमें इन्हें पकने देना है, फ्राई करना है। ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें। अभी 2 मिनट मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, बस ऊपर वाली स्किन को ही पकाया है, नीचे बिल्कुल भी नहीं पकाया है। और पकने के बाद इन्हें हम निकाल लेंगे, और एक्स्ट्रा जो इनका ऑयल है उसे हम पोंछ लेंगे। ये देखिए, तो जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम पोंछ लेंगे एक टिश्यू की सहायता से। मैंने इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल पोंछ लिया है, और अब हम लेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लेने के बाद इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे, चारों तरफ फैला देंगे। आधा चम्मच ही डाला है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला है। कॉर्नफ्लोर डालने से इसमें एक एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आएगा, जो क्रिस्प होता है वो आएगा। और आधा घंटे के लिए मैंने इन्हें रख दिया था फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए, और आधा घंटे के बाद मैं इन्हें कर रही हूँ फ्राई। आधा घंटे बाद ही इन्हें फ्राई करना है, पहले इन्हें फ्रीज़र में रख दें, ठंडा होने दें, उसके बाद हम लो टू हाई मीडियम पर इन्हें फ्राई कर लेंगे, और गोल्डन होने तक। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा बस एक सुनहरा कलर आने तक ही हमें इन्हें फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम रखें, हाई फ्लेम पर, ज़्यादा तेज तेल में इन्हें फ्राई ना करें, वरना तो जलने का डर रहेगा। तो ये देखिए इकसान हमारे फ्रेंच फ्राइज बन के एकदम से रेडी हैं। आप देख सकते हैं यही कलर होता है उनका, जो मैकडोनल्ड में मिलते हैं। तो कॉर्नफ्लोर लगाने से पहले इन्हें फ्रीज में ज़रूर रख दें, और अब इनकी आप आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए परफेक्ट हमारे फ्रेंच फ्राइज बनके रेडी हैं। आप इनकी आवाज़ सुने कितने क्रिस्पी बने हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट। अगर आप
थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं, वैसे तो ये सॉल्टी आते हैं ज़्यादातर, तो मैं हल्की सी इसमें मिर्ची ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा मैं भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बहुत कम। अगर आप ज़्यादा स्पाइसीनेस चाहते हैं तो थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज बनके रेडी हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक डोमिनोज नोज का पैकेट, जिससे बिल्कुल ये परफेक्ट लगेंगे कि डोमिनोज से मंगाए हैं। ये देखिए, और इसमें हमें फिल कर देना है, तो लग रहे हैं ना एकदम से डोमिनोज स्टाइल। ये देखिए, बिल्कुल भी आपको लगेंगे नहीं कि आपने इन्हें घर पे बनाया। टेस्ट में, दिखने में बहुत ही एकदम से लाजवाब, एकदम से डोमिनोज स्टाइल है। तो आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं जरूर मुझे कमेंट करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अलकाज हेल्थी किचन में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।